नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। अराउंड द वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे रोमानिया की, जहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही बताएंगे पुतिन के नाम पर क्यों भड़के डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा बात चीन की भी होगी, जिसने एक बार फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। साथ ही मिलवाएंगे एक ऐसे कपल से जिनका तलाक स्पेस में अटका हुआ है। इन सब खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात रोमानिया की। रोमानिया की सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी अपने कानून को वापस ले लिया है, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोमानिया की जनता अब सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। रोमानिया में 27 साल बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ गुस्से में जनता। जनता के इसी गुस्से के आगे रोमानिया की सरकार तो झुक गई है। उसने अपनी विवादित भ्रष्टाचार कानून को वापस तो ले लिया है, लेकिन रोमानिया वासियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लोग अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। चारों तरफ से रोमानिया की सरकार के खिलाफ आवाजें सुनाई दे रही हैं। रोमानिया में 27 साल बाद इस तरह के जनाक्रोश की तस्वीरें देखने को मिली है। 1989 में रोमानिया के तानाशाह निकोलाय चेसेस्कु विरोधी प्रदर्शन के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। जानकारी के मुताबिक देश भर में लाखों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सोरी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए उनसे झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया है, जबकि वो उसे लीगली कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इसे संसद में ले जाएंगे, जहां पर हमारे 100 सांसदों के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इससे साफ तौर पर हितों का टकराव होगा। मेरे ख्याल से इससे वो सीधे प्रभावित होगा। वो कानून पर चर्चा नहीं करेंगे। मुझे इन 100 सांसदों की चुप्पी से क्या उम्मीद करनी चाहिए? और क्या सरकार ने हमसे 2 हफ्ते के लिए झूठ बोला है? मुझे उम्मीद है कि वो इस पर चुप रहेंगे। वो खुद के जेल जाने के लिए वोट नहीं करेंगे, इसलिए ये लोग संसद में रोमानिया के समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री सोरिन ग्रीन डेवनी ने कहा था कि वो रोमानिया का बंटवारा नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस कानून को वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन लोगों का अभी मानना है कि सरकार इस कानून से भ्रष्टाचार पर सजा हल्की कर रही है। प्रदर्शनकारी अब सोरिन सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन वो बहुत बुरे हैं। वो भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो उनको जेल नहीं भेजना चाहते हैं, इसीलिए उनका सिर्फ एक ऑर्डिनेंस को वापस लेना ही काफी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि वो हर किसी मामले में जीरो है, हमारे लिए जीरो सम्मान है, और वो सोचते हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी नहीं बल्कि उनकी इज्जत नहीं है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार कानून मंगलवार को पारित हुआ था और 10 फरवरी से लागू होना था। इसमें प्रावधान किया गया था कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अगर कोई 32 लाख रुपए से अधिक का करप्शन करता है तो ही उसे जेल भेजा जा सकता है। इसे भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अधिकारियों और सांसदों को बचाने की सरकार की कोशिशों के तौर पर माना गया। साल 2014 और 16 के बीच 2000 लोग सत्ता के दुरुपयोग के दोषी पाए गए। प्रधानमंत्री, 5 मंत्री, 16 सांसद और 5 सीनेटरों पर कोर्ट में मामले चल रहे हैं। सरकार की कोशिश एक और कानून संसद में पारित कराने की योजना है, जिसमें 5 साल से कम की सजा पाए 2500 कैदियों को रिहा करने का प्रावधान है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के इस कानून से करप्शन की लड़ाई कमजोर होगी, नेताओं और बड़े अधिकारियों को इससे फायदा होगा। फिलहाल जनता के इस जनाक्रोश से घबराकर सोरिन सरकार ने भ्रष्टाचार के कानून को वापस तो ले लिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जनता अब भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, और जनता के गुस्से की ये आग जल्द शांत होगी ऐसा लगता नहीं है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और अब बात करते हैं अमेरिका के। अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार फिर पुतिन को लेकर सुर्खियों में हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पुतिन को हत्यारा कहा, तो ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने अमेरिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं हत्यारा बताने पर रूस ने चैनल से माफी की मांग की। ट्रंप को आया पुतिन पर प्यार, हत्यारा कहने पर किया बचाव,
अमेरिका पर ही उठाए सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवाद पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक विवाद खत्म होता नहीं है कि दूसरा विवाद पहले खड़ा हो जाता है, और इस बार तो उन्होंने अमेरिका के दुश्मन की तारीफ करते हुए उल्टा अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई बार तारीफ कर चुके हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। अक्सर उनके मुंह से पुतिन की तारीफ के बोल सुनने को मिले हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। फॉक्स न्यूज के बिल ओ'रियली के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने पुतिन की तारीफ करते हुए अमेरिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। Putin. I do respect him. Do you? But why? Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world, right? Major fight. That's a good thing. Will I get along with him? I have no idea. He's a killer, though. Putin's a killer. पत्रकारों के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक समिति के मुताबिक साल 1992 से लेकर अब तक रूस में करीब 36 पत्रकारों की हत्या हुई है। साल 2000 में जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने, तब से अब तक रूस में 23 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। चेचन्या में अत्याचारों की जाँच कर रहे एक पत्रकार अन्ना पोलितकोव्स्काया को गोली मार दी गयी। पुतिन पर अपने विरोधियों की आवाज दबाने और राजनीतिक विरोधियों को क्रूरतापूर्ण तरीके से रास्ते से हटाने के आरोप लगते आए हैं, जबकि ट्रंप पुतिन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस बयान का अमेरिका में विरोध भी शुरू हो गया है। सीनेट की विदेश मामलों की समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा है कि एक निरंकुश हत्यारे शासन को हमारे देश के समान बताना अपमानजनक है, भले ही ये काम ट्रंप ने ही क्यों न किया हो। अमेरिका में सभी चयनित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ट्रंप की खतरनाक बयानबाजी के खिलाफ बोलें। ट्रंप ने अमेरिका को व्लादिमीर पुतिन और उनके हत्यारे शासन के समान बताकर ये साफ कर दिया कि वो इस बात में विश्वास नहीं करते कि अमेरिका दूसरे देशों से अलग है। वहीं डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी ने भी ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ उनके वित्तीय, निजी और राजनीतिक संबंधों को लेकर FBI से जांच करानी चाहिए। हम उनके टैक्स रिटर्न को देखना चाहते हैं ताकि हमें पुतिन के साथ उनके संबंधों की सच्चाई पता चल सके, जिनकी वजह से तारीफ करते हैं। ट्रंप रूस के साथ बेहतर अमेरिकी संबंधों के पक्ष में रहे हैं। वो कई बार पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। पुतिन ने भी ट्रंप को बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बताया है। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने उन ताज़ा अमेरिकी प्रतिबंधों की समीक्षा की जो अमेरिकी कंपनियों के रूस में अपनी चीजें निर्यात करने से रोकते हैं। ओबामा प्रशासन ने 29 दिसंबर को रूस के खिलाफ नए बैन लगाए थे। अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की बात कहे जाने के बाद ये बैन लगाए गए थे। फिलहाल ट्रंप के इस बयान के बाद रूस बेशक खुश हो, लेकिन अमेरिका के लोगों को ट्रंप की ये बात हजम नहीं हो रही, और आने वाले दिनों में यही बयान उनके लिए भारी साबित हो सकता है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और अब बात करते हैं चीन की, जिसने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। चीन की रॉकेट फोर्स ने अपनी स्पेशल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एक्सरसाइज की है। खास बात यह है कि इस मिसाइल की जद में न सिर्फ हिंदुस्तान है बल्कि अमेरिका और जापान भी है। ड्रैगन ने दिखाई दुनिया को ताकत। रॉकेट फोर्स के साथ परखी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत। जी हां, चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। एक बार फिर ड्रैगन ने साबित कर दिया है कि उसकी जद में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जापान और अमेरिका भी हैं। चीन की नई रॉकेट फोर्स ने एडवांस DF-16 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एक्सरसाइज की है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। खबरों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने हाल ही में हुई इस एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया है। चीन ने नई रॉकेट फोर्स तैयार की है, उसी ने इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया है।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब तक वेपन्स सिस्टम को लेकर गोपनीयता बरतती आई है, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली के मुताबिक इस एक्सरसाइज का मकसद रासायनिक और जैविक युद्ध के साथ उपग्रह टोही विमानों का मुकाबला करना भी था। पीएलए ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल ले जाते कई व्हीकल्स दिख रहे हैं। वीडियो में रॉकेट फोर्स मिसाइल ब्रिगेड के सोल्जर्स छुट्टी के दौरान ट्रेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान रॉकेट फोर्स के सोल्जर्स ने तेजी से मिसाइल्स की लोडिंग, तैनाती और उनकी लॉन्चिंग का अभ्यास किया। आपको बता दें कि चीन ने अपनी मिसाइल्स और इससे जुड़े सैनिक साजो सामान के लिए अलग से एक रॉकेट फोर्स बनाई है। यह रॉकेट फोर्स एक खास दल है जिसके पास शस्त्रागार है। यह दल अपनी मिसाइलों की रेंज को हैंडल करता है। जानकारी के मुताबिक इस एक्सरसाइज में चीन ने दो तरह की DF-16 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यह तीसरा मौका है जब DF-16 को पब्लिकली दिखाया गया है। चीन ने DF-16 मिसाइल को पहली बार सितंबर 2015 में बीजिंग में मिलिट्री परेड में दिखाया था। फिलहाल चीन ने इस वीडियो को जारी कर साफ कर दिया है कि वो साउथ चाइना सी समेत कई मुद्दों पर अमेरिका से डरने वाला नहीं, बल्कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। एक तरफ जहां चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं इस्लामिक स्टेट अब रिफ्यूजी कैंप में रह रहे बच्चों को आतंकी बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आईएस इसके लिए तस्करों की मदद ले रहा है, उन्हें पैसे दे रहा है। आईएस के निशाने पर मासूम बेसहारों को आतंकी ट्रेनिंग। जी हां, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर अब वो मासूम आ गए हैं जो अपनों से या तो जुदा हो गए हैं या फिर अपनों के साथ किसी मुल्क में छत ढूंढ रहे हैं। आईएस इन मासूम बच्चों को अपने आतंकी ग्रुप में शामिल कर रहा है, उन्हें आतंकवादी बना रहा है। आतंक के इस खौफनाक सच का खुलासा हुआ ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में। जिसमें कहा गया इस्लामिक स्टेट लबनान और जॉर्डन जैसे देशों से मासूम रिफ्यूजियों को भर्ती के लिए तस्करों को पैसा दे रहा है। आतंकवाद रोधी विचार संस्था किलियम की इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोपीय संघ की पुलिस एजेंसी यूरोपोल ने बेसहारा हो चुके बच्चों की अनुमानित संख्या 88,300 बताई है। ये सभी बच्चे लापता हैं और इनके कट्टर होने की आशंका है। आतंकवादी ग्रुप इन युवा शरणार्थियों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि इन्हें आसानी से आतंकवादी बनाया जा सकता है। किलियम की वरिष्ठ शोधकर्ता निकिता मलिक ने यह भी कहा कि बाल तस्करी और आतंकवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोकना होगा। आईएस इसके लिए तस्करों की मदद ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएस ने लेबनान और जॉर्डन से कैंपों के अंदर भर्ती के लिए $2,000 तक की पेशकश की है। आपको बता दें पिछले साल जॉर्डन के विशेष बल ने एडिप नॉर्थ जॉर्डन और इसी के नजदीक रिफ्यूजी कैंपों के अंदर से आईएस के स्लीपर सेल को पकड़ा था। इस रिफ्यूजी कैंप में खाना पहुंचाने वाले लोगों के जरिए आईएस में भर्ती के बदले काफी पैसे देने का लालच दिया जाता था। फिलहाल किलियम की रिपोर्ट न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। यूके में एक कपल का डिवोर्स काफी सुर्खियां बटोर रहा है, वजह स्पेस का पिंच। जी हां, क्योंकि कपल के पास स्पेस जाने का टिकट था और अब तलाक के सेटलमेंट पर बात अटकी है, स्पेस के उसी गोल्डन टिकट पर। टिकट पर अटका कपल का दिल। स्पेस पर फंसा तलाक का पेच। एक टिकट, दो दावेदार। यूके में भागते मूल के एक कपल के डायवोर्स की जंग £1,60,000 यानी करीब 1,34,00,000 रुपए के स्पेस टिकट पर अटक गई है। जर्नलिस्ट मीना मानेक और बिजनेस मैन आशीष ठक्कर की शादी 2013 में टूट गई। डाइवोर्स सेटलमेंट को लेकर मामला कोर्ट में है, लेकिन अब पेच अटक गया है स्पेस टिकट पर, क्योंकि मीरा ने आशीष से स्पेस टिकट में भी हिस्सेदारी मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन हाई कोर्ट की फैमिली डिवीजन में डाइवोर्स सेटलमेंट की सुनवाई में वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट के स्पेस टिकट पर भी चर्चा हुई। कोर्ट में मीरा की ओर से कहा गया कि ये टिकट भी आशीष की प्रॉपर्टी का हिस्सा है, इसके आधार पर उनकी पूरी दौलत की जांच होनी चाहिए। मीरा ने डिमांड की है कि इसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए इसमें भी उन्हें हिस्सेदारी दी जाए। माना जा रहा है कि आशीष पर इस टिकट को बेचने के लिए भी दबाव बन सकता है। आपको बता दें, आशीष उन पहले कुछ लोगों में से थे जिन्होंने स्पेस जाने वाली पहली कमर्शियल फ्लाइट का ये टिकट 1,34,00,000 रुपए में खरीदा था। अब वो टिकट की रकम भी वापस ले सकते हैं क्योंकि पहली फ्लाइट ने टेस्टिंग में हो रही देरी के चलते अब तक उड़ान नहीं भरी है। ऐसे में आशीष अपने टिकट की रकम वापस ले सकते हैं। आशीष ने दावा किया है कि उनके नाम पर सिर्फ 3,73,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि मीरा का आरोप है कि आशीष बिलियनर हैं और अपनी प्रॉपर्टी छिपा रहे हैं ताकि वो शेयर देने से बच सके। यूके के लिसेस्टर में पैदा हुए आशीष दुबई बेस्ड बिजनेसमैन हैं। आशीष ने 2008 में फूड राइटर और ब्लॉगर मीरा मानिक से शादी की थी, लेकिन 2013 में दोनों अलग हो गए और उसके बाद से उनके डाइवोर्स के केस पर सुनवाई शुरू हो गई। लेकिन बात अब स्पेस के गोल्डन टिकट पर जा अटकी है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और अब आपको लेकर चलते हैं जापान के सबसे पॉपुलर फेस्टिवल में। जापान में ऑर्गेनाइज हुए आइस फेस्टिवल ने इन दिनों काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यहां बर्फ पर नक्काशी की खूबसूरत तस्वीरों को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी पहुंच रहे हैं। जापान में आया आइस एज। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये है जापान का बर्फ वाला फेस्टिवल। बर्फ पर नक्काशी की खूबसूरत तस्वीरें हैं जापान की, जहां शुरू हुआ है एनुअल सपारो स्नो फेस्टिवल। इस अनोखे स्नो फेस्टिवल में दुनिया भर से आए आर्टिस्ट ने बर्फ की सफेद चादर पर अपनी कला उकेरी। दुनिया भर से आए कलाकारों ने कड़ी मेहनत से आइकॉनिक लोकेशंस के आइस स्कल्पचर्स तैयार किए। खास बात यह है कि सीनरी के साथ साथ आपको इस बर्फ वाले फेस्टिवल में फेमस चेहरों के भी आइस स्कल्पचर्स मिलेंगे, और इन स्कल्पचर्स में आपको ठंडे ठंडे कूल कूल डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आएंगे। इस फेस्टिवल में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिसने बटोरी वो है पेरिस का फेमस मॉन्यूमेंट आर्क डी ट्रायम्फ। करीब 17 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा ये आइस स्कल्पचर ओरिजिनल स्कल्पचर का 1/3 है, और इस अनोखे स्कल्पचर के लिए बकायदा एक सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके बाद फ्रांस का फ्लैग होस्ट किया गया। इस फेस्टिवल में आपको इंटरनेट सेंसेशन पीको तारो भी बर्फीले अंदाज में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, पीको तारो के आइकॉनिक डांस मूव्स को फ्लॉन्ट करते हुए अमेरिका के पोटर्स भी नजर आएंगे। इस सपारो स्नो फेस्टिवल में 200 से ज्यादा स्कल्पचर्स को शामिल किया गया है, और इस इवेंट को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है कि ना सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट भी यहां इस इवेंट का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आइस कार्विंग का ये खूबसूरत नजारा और उस पर बर्फीले इवेंट का मजा लेना किसे पसंद नहीं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। जापान का एक होटल आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस होटल की खासियत है यहाँ की बुक्स। ये एक ऐसा होटल है जहां आपको किताबों की दुनिया में खो जाने का मौका मिलेगा। किताबों की दुनिया में बसा है अनोखा आशियाना। जहां मिलेगा आपको किताबों का साथ। जापान का एक होटल इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। वजह है इस होटल की अनोखी किताबों की दुनिया। जी हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जापान का एक होटल है जहां आप बेड के साथ साथ बुक्स का मजा ले सकते हैं। जापान का ये अनोखा कैप्सूल होटल है बुक एंड बेड टोक्यो, जो कि आपको बुकशेल्फ्स के बीच बेड उपलब्ध कराता है। आप आराम से बेड पर बैठकर बुक्स का मजा ले सकते हैं। क्योंकि
ही होटल ट्रेंडिंग डिजिटल बुक के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ते हुए लोगों में पेपर बुक्स पढ़ने का कल्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बुक लवर्स के लिए फेवरेट स्पॉट बन चुका है। मुझे कैप्सूल होटल काफी डरावने लगते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि एक अच्छा माध्यम बन सकता है लोगों के रहने का, और यहाँ रहना उन लोगों को बहुत पसंद है जिन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इस अनोखे बुक एंड बेड कैप्सूल होटल की दीवारें, सीलिंग और ज्यादातर डेकोर करीबन 3,200 बुक से पटा हुआ है। दिन में होटल के कॉमन रूम में आप लॉन्च का मजा भी ले सकते हैं और विजिटर्स भी आकर बुक्स पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बुक एंड बेड को लेकर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लोगों तक ये बात पहुंची है। जापान में ऐसे अनोखे आइडिया काफी चलते हैं। आपको बता दें कि टोक्यो में बहुत ही कैप्सूल साइज के होटल बने हुए हैं जो कि मेन शहर से भी काफी दूर है। महंगे दामों की वजह से टूरिस्ट इन्हीं कैप्सूल होटल्स में रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट टूरिस्ट को काफी पसंद आ रहा है। मुझे ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैं पहले भी ऐसा कोई हॉस्टल ढूंढ रहा था जहां ऐसा कुछ हो, और इसलिए इस होटल की शुरुआत हुई। 1.5 साल पहले खुले इस होटल में 60 क्यूब्स हैं जिन्हें रीडिंग रूम के तौर पर बनाया गया है। हर क्यूब में आपके लिए मैट्रेस और रीडिंग लैंप अवेलेबल होगा। इसके लिए टूरिस्ट को हर दिन के 33 से 42 यूएस डॉलर्स तक चुकाने पड़ेंगे, और 500 येन प्रति घंटे देकर आप इस बुक वाले होटल का दिन में भी मजा ले सकती हैं। इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24/7। क्यूट सी स्मॉल वंडर आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बेबी गर्ल का स्टाइल इतना शानदार है कि अब सितारे भी इसके साथ नजर आते हैं। छोटी सी बच्ची के कारनामे हैं बड़े बड़े। आपने बच्चों के कई कारनामे देखे होंगे, लेकिन इस बच्ची के कारनामे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बच्ची ना सिर्फ सेलेना गोम्स और टेलर स्विफ्ट जैसी बड़ी हस्तियों की एल्बम के गानों पर थिरकती है, बल्कि गाने गाती भी है। और अब ये बच्ची सुपरस्टार्स के साथ जमकर मस्ती करती नजर आती है। स्टार्स भी अब इस बच्ची के दीवाने हैं।